इत्तफाक से आज हमारे इस संपदा न्यूज के कार्यालय पर बल्कि ये समझिए किसी मूर्ति वीए के निवास स्थान पर एक बहुत बड़ी हस्ती के हम तो अब इनको उस हस्ती का ही एक रूप मानेंगे, कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के पौत्र अमित कुमार मिश्र पहाड़ी जी हमारे पास उपलब्ध हैं। कभी इस घर पर, इस दरवाजे पर, यहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैलाशपति मिश्र पहाड़ी जी और श्रीमती बीए और अन्य महेंद्र शास्त्री जी, मुस्तफ़ा जी और तमाम उनके लोग मिलते थे तो जलवाही कुछ और होता था, सारे दृश्य आँख के सामने घूम गए इनके आने के साथ ही। ये स्वयं में कवि भी हैं और जज्बा भी वही है। वक्त की बात है, समय की बात है कि आज समय कुछ अलग है, वह समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। तो हमारे बीच उपस्थित हैं और सबसे पहले तो इनका हार्दिक स्वागत है उस रूप में, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ये पुत्र हैं जिनके आदर्शों पर भारतवर्ष जो है करोड़ों वर्ष तक यदि रहेगा तो वह याद किया जाता रहेगा, वो नाम कभी नहीं भूलेगा, कैलाशपति मिश्र पहाड़ी जी। तो उनके पौत्र श्री अमित कुमार मिश्र पहाड़ी जी से मेरा अनुरोध है कि पहले आप ये बताएं कि सर आजकल आप लिख पढ़ क्या रहे हैं, क्या हो रहा है? अवश्य सादर प्रणाम जी। मैं इस संपदा न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों को, हमारे कवियों को और हमारे जितने भी धरोहर हैं, कवि हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको आप एक पटल पे लाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपकी उम्र ऐसे ही बनी रहे। नहीं, वो तो रहे। और हमने सुना है कि कुमार विश्वास के बाल जो हैं अभी लगभग 55 की उम्र में पहुंच गए हैं। हाँ। और न झड़ते हैं न सफेद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही दृश्य आपके साथ भी प्रकट होता है। ये उम्र लगभग मुझे लग रहा है कि 60 आप क्रॉस कर गए। हाँ, 62 हो गए हैं। और बताइए, एक भी बाल मतलब कहीं से दिख नहीं रहा है कि भले ही सफेद हो गए हो लेकिन बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस उतार चढ़ाव और आज के लोग केमिकल क्या क्या चीजें खा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप सबसे बड़ी बात है कि इस पूर्वांचल के जो सबसे बड़े कवि श्री मोती बीए जी के पुत्र आप हैं जी, और उनकी धरोहर को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन फिर भी आज उनको जिंदा किए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। और मैं इसी कड़ी में लगभग 2 वर्षों से मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय स्मृति शेष कैलाशपति मिश्र पहाड़ी जी की धरती से मैं जुड़ गया हूँ। मैं उनका पौत्र अमित मिश्रा पहाड़ी, और मैं भी चाह रहा हूँ कि बस उस क्रांतिकारी को जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस धरती को आज़ाद कराने के लिए, और मैं भी क्यों ना उन बस आपका ही मैं नक्शे कदम पे कि जैसे मोती बीए जी को आप जिंदा किए हुए हैं, मैं भी चाहता हूँ कि उनको मैं जिंदा करके रखूँ, चाहे इसके लिए चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। एक सेकंड में आपसे एक बात करना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी, देखने वालों को भी मैं सूचित कर दूँ कि लगभग कभी किसी ज़माने में, संभवतः 71 में या और पहले, ये हर जगह जो हर ब्लॉक में ये नाम लिखे गए शिलापट पर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, लेकिन हमने देवरिया जिले के सभी शिलापट पर देखे तो उसमें किसी पर कैलाशपति मिश्र पहाड़ी का नाम नहीं था। हमने इस बात को संज्ञान में लिया और हमने शासन को लिखा, तमाम जगहों पर हमने वीडियो बनाया, इसको पूछा गया, इसको लोगों से कहा गया, जिम्मेदारों तक बात पहुँचाई गई। हम धन्यवाद देंगे जिलाधिकारी को कि उन्होंने इस बात को सीरियस लेते हुए, इतना ही नहीं सारे शिलापट्टों का उन्होंने खूब सुंदरीकरण तो कराया ही, कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के गांव में उनके नाम से जो है उन्होंने एक शिलापट लगाया। इसके लिए हम शासन को धन्यवाद देंगे और संपदा न्यूज इस पर गर्व करता है ऐसे अधिकारियों को। और हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि यह आपके और हमारे और आप जैसे हमारे से तमाम लोग जो उनके प्रिय हैं सबके मतलब की दुआओं का फल है कि यह हुआ और यह और आगे बढ़ता जाए, ये नाम अमर होता जाए, मैं ये शुभकामना कर रहा हूँ। अब आओ अपनी बात बताएं। अवश्य अवश्य। बहुत अच्छा लगता है जब मैं पहली बार शिलापट पे बरहज में, यही क्रय विक्रय केंद्र है। हाँ हाँ। और वहाँ पर उनके नाम से उद्घाटन हुआ है। हाँ हाँ। स्वर्गीय कैलाश मिश्रा पहाड़ी ही उसके अध्यक्ष थे क्रय विक्रय केंद्र के, तो उसके नीचे उनका नाम पहाड़ी करके लिखा हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद बरहज के लोगों ने उनको समझा अपना और कम से कम एक जगह नाम दिया। लेकिन मैं शासन को लेकर के थोड़ा सा मैं दुखी रहा कि शासन व्यवस्था कैसी रही, कैसे लोग रहे शासन में, कि शायद उनको स्थान नहीं दिया या जैसे भी विडम बनाए हों। और मुझे आपसे मिल करके तो फिर तो मुझे लगा कि बस अब कैलाश मिश्र पहाड़ी को जिंदा करने का एक बहुत बड़ा
मुझे एक संजीवनी जो होता है वो आपसे मिला, उनके बारे में सुन करके कि आप उनसे मिले हुए हैं। आप जब कहते हैं आप जब कहते हैं कि बाबूजी और कैलाश मिश्रा पहाड़ी जब साथ में बैठ के बातें किया करते तो मैं दूर से सुनता था, मैं चाय उनके लिए लेकर के आता था, तो ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि बाबूजी और मेरे दादाजी। मुझे मुझे याद है कि उस वहाँ उस तिमाही पर मैं उनको पहुँचाने गया, पर्च को प्रणाम किया, हाथ में छड़ी लिए होते तो उन्होंने बहुत प्रेम से मेरे सर पे से पीठ पर ठोका था और मुस्कुरा के कहा था कोई बात है ठीक है ठीक है, ऐसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। अक्सर मैं जाया करता था और उनको लोगों के साथ जो उनको एक जो बोल रहा हूँ जैसे जीप थी जी, उसी में वो आया करते थे जी, 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 जी। और अक्सर हम उनको देखा करते थे उस पर, उन्हें बड़ा ही देखने में अच्छा लगता था। कभी कभी टोपी के हम भेस में देखते थे, टोपी लगाए हुए। अवश्य वो तो मतलब एक कहा जाए कि गरीबों के मसीहा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अपने परिवार को कम देखना समझना, लेकिन सोचते थे कि कौन असहाय है उनकी मैं सेवा करूँ, उनको आगे ले जाऊँ। तो उसी कड़ी में मैं सोचता हूँ कि अपने दादाजी को जिंदा करूँ और उन्हीं के पथ मार्ग पे चलूं और उनको जिंदा करने, वो तो जिंदा है ही जिंदा, लेकिन है। जो पीढ़ियां अभी हैं वो भी जाने कि कैलाश मिश्रा पहाड़ी हमारे बरहज के एक ऐसी विभूति थे कि जो अंग्रेजों से लोहा लेने में कहीं पीछे नहीं हटे, जिस प्रकार से भी अंग्रेजों ने सामना करने के लिए सोचा उस प्रकार कैलाश मिश्र पहाड़ी आए और उनका सामना किए। अभी आप तो देख ही रहे हैं उनके नाम पर हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, अभी सरकार ने प्राइमरी विद्यालय पे हमारे यहाँ उनके नाम से शिलापट्ट लगाया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी हमारे क्षेत्र के शासन व्यवस्था के को चला रहे हैं सुचारू रूप से। और आज हम दोनों मिले ही हैं, आप भी एक कवि हैं और एक इतने बड़े कवि के पुत्र हैं और मैं तो एक उभरता हुआ कवि हूँ या नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं पता कितना होता, आप लोग कहते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, पूर्ण कवि हैं आप, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन आपको श्रोता ही बताएंगे कि मैं कितना अच्छा कवि हूँ। तो अब आपके पास आया हूँ, एक इतनी ये धरती नहीं है, ये पावन धरती है, पवित्र धरती है जहाँ से हजारों हजारों कविताएं निकली, कहानियां निकली, नदियां के पार जैसी कविता, यही यही ये मिट्टी है जिसने दिया है और बॉम्बे तक गया है पहली भोजपुरी कवि गाना जो बॉलीवुड में चला, एक कविता तो बनता ही है। लक्ष्य पे चार लाइनें हैं कि जहाँ जीत ही जिद्द है, जहाँ जीत ही जिद्द है वहाँ सफलता सिद्ध है, जहाँ आप प्रसिद्ध हैं, जहाँ आप प्रसिद्ध हैं वहाँ आप भौतिक हैं, जहाँ डगर लयबद्ध है, जहाँ डगर लयबद्ध है वहाँ लक्ष्य प्रतिबद्ध है, जहाँ आप कर्मबद्ध हैं, जहाँ आप कर्मबद्ध हैं वहाँ आप समृद्ध हैं, जहाँ आप कर्मबद्ध हैं वहाँ आप समृद्ध हैं, और जहाँ मनुज बुद्ध है, जहाँ मनुज बुद्ध है वहाँ अनुज निश्चित ही शुद्ध है। वाह क्या वाह, वहाँ अनुज निश्चित ही शुद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता रही है, धन्यवाद आपको भी। तो यही बस हम लोग का है कि हम लोग मिले कभी तो कविताएं अपनी जिंदा रखें, इस बरहस को जिंदा रखें हम लोग अपनी कविताओं से, और वही मोती भी हमारे बीच में याद किए जाएं जिन्होंने हमें इतनी बड़ी पहचान दिलवाई अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर मोती बीए को कोई ना जानता हो, पर मोती बीए की धरती बरहज को कोई ना जानता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।